नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo T2 Pro 5G versus Vivo S19 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो T2 Pro 5G में 2.94 इंच जबकि S19 Pro में 2.95 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो T2 Pro 5G में 0.29 इंच जबकि S19 Pro में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि T2 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो T2 Pro 5G में 175 ग्राम जबकि S19 Pro में 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि T2 Pro 5G से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन T2 Pro 5G में 1080x2400px FHD+ प्लस और S19 Pro में 1260x2800px FHD+ प्लस मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो T2 Pro 5G में 90.42% जबकि S19 Pro में 90.23% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो T2 Pro 5G में 388 पिक्सल प्रति इंच जबकि S19 Pro में 453 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो T2 Pro 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और S19 Pro की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो T2 Pro 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और S19 Pro की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो T2 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और S19 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो T2 Pro 5G में माली G610MC4 जबकि S19 Pro में इमॉर्टलाइज G715MC11 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो T2 Pro 5G में MediaTek Dimensity 7200MT6886 और S19 Pro में MediaTek Dimensity 9200+ मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो T2 Pro 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि S19 Pro में एक ही विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो T2 Pro 5G में Android V13 जबकि S19 Pro में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी T2 Pro 5G में 4600 mAh जबकि S19 Pro में 5500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो T2 Pro 5G में 2 कलर्स जबकि S19 Pro में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो T2 Pro 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें S19 Pro की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 38,700 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo T2 Pro 5G में 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo S19 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में T2 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में S19 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटिव फोन की बात करें तो उसमें Moto H50 Neo 5G है, दूसरा Samsung Galaxy F34 5G है, तीसरा Poco X6 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटिव फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।